आपका लर्निजी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई 2021 को टारगेट करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को। आज का हमारा पार्ट टू है और इसमें हम बात करने वाले हैं 13 दिसंबर 2017 में जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के मिले जुले क्वेश्चन हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के डिटेल क्वेश्चन जो है वो हमने पार्ट वन में पढ़े थे जिसमें महत्वपूर्ण संविधान और सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको प्रोवाइड की गई थी। अगर पहला वीडियो आपने मिस किया है तो कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके वहाँ से जरूर देख लें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इन दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पर ज्वाइन करके आप डेली रेगुलर जो फ्री पीडीएफ अपलोड की जाती हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपको अलग स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करके मैं ज़रूर बताया कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आज का जो पार्ट टू है, पहला सवाल है भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पशुओं और पेड़ों को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण और वन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लागू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य अवैध शिकार को रोकना, और बाद में इसको 2003 में संशोधित किया गया, और संशोधित करके इसमें जो भी नियम कानून थे अवैध शिकार के उन सबको और ज़्यादा कड़ाई के साथ लागू किया गया। तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जंगली जानवरों, पशुओं और पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन है सीआईडी की कौन सी शाखा नकली माल एवं जालसाजी जैसे अपराधों की जांच करती है। ऑप्शन है आपके अपराध शाखा, आतंकवाद विरोधी शाखा, जाँच सूचना या फिर मादक द्रव्य विरोधी शाखा, नारकोटिक्स जिसको बोलते हैं, काफ़ी चर्चा में था अभी कुछ दिनों पहले। तो इसका जो सही आंसर है सीआईडी नकली माल एवं जालसाजी जैसे अपराधों की जांच अपराध शाखा के अंतर्गत करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कन्फ्यूज रहते हैं गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन हैं आपके हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या आसाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय, ऑप्शन बी। गारो, खासी, जयंतिया ये सारी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। और दोस्तों जो सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, जिन 7 स्टेट्स को हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको कैसे याद रखा जाए, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कैसे याद रखा जाए, उसके लिए हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकी वीडियो बनाया है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप सेवन सिस्टर्स को याद रखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी वहाँ पर कवर किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चौथा हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान जो कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनाया गया था, इसके गठन में कुल कितनी समितियाँ थी, मतलब संविधान के गठन में कुल कितनी समितियाँ जो थी वो हिस्सेदारी ले रही थी। ऑप्शन है आपके 12, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 10। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टोटल 21 समितियां थी जिसमें 13 बड़ी समितियां और 8 छोटी समितियां शामिल थी। संविधान और उसकी डिटेल्ड वीडियोस आपको हमने पहले प्रोवाइड की, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन है आपके राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर या कैबिनेट सचिव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर को छोड़ करके बाकी राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि लोकसभा स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो जो सदन के सदस्य हैं वो आपस में चुनाव करके करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को
किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है। मतलब जो खानाबदोशी लोग हैं, जो खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार हैं, उसको किस सूची में रखा गया। ऑप्शन से आपके अवशिष्ट सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है, इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में जब मतभेद होते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम लागू होते हैं, ऐसी सूची क्या कहलाती है, समवर्ती सूची। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति को भारत के मुसलमान समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। ऑप्शन हैं आपके मल्होत्रा समिति, सच्चर समिति, नरसिम्हन समिति या मुग्दल समिति। इसका जो सही आंसर है वो सच्चर समिति है। सच्चर समिति की जो अध्यक्षता की गई थी वो तात्कालिक दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे जस्टिस राजेंद्र सच्चर, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी और इन्होंने एक साल के बाद 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो ये जो समिति थी इसका मुख्य उद्देश्य भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस को शुष्क चूने के साथ गुजारा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसको हिंदी में हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसका उपयोग हम कई बार जो वाटर ट्रीटमेंट है, जल शोधन, उसमें करते हैं और भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो इसमें ऑप्शंस थे किस गैस को शुष्क चूने के साथ गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो ऑप्शंस थे अमोनिया, क्लोरीन, मीथेन और हाइड्रोजन। तो जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया कि इसका उपयोग होता है वाटर ट्रीटमेंट में भी, तो वाटर ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन। तो इससे सीधा आंसर आपका यहाँ से निकल के सामने आता है कि क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शंस हैं ए कैड, बी मिनिक्स, डॉ या उनंटू। तो डॉस, उनंटू, मिनिक्स या कैड। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग डिजाइन के यूज में लाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो निम्न में से किससे रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ा जाता है जिससे वो डाटा भेज सकती हैं और डेटा को प्राप्त भी कर सकती हैं। तो उस क्या नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं आपके हैकर, क्लाउड, साइबर वार या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या होता है कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं होती हैं उनका अपडेट रखते हैं इंटरनेट से, वो डेटा उनको भेजने और रिसीविंग के लिए यूज़ होता है। हैकर क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर पे अनाधिकृत प्रवेश करके उसके डेटा को चोरी करना हैकिंग कहलाता है और ये जो व्यक्ति करता है उसको हैकर कहते हैं। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड एक एम्प्टी स्पेस रहता है, यहाँ पर अपनी फाइल्स को स्टोर किया जा सकता है। साइबर युद्ध क्या होता है, साइबर युद्ध में क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर्स में जुड़ी जानकारियां हैं, जो भी स्टोर डेटा है उनको चुराना, उनको बचाना, इसके लिए जो भी अपने अपने पैतरे आजमाते हैं उसको साइबर युद्ध कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, भारत की समेकित निधि से राज्यों के मध्य राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांत पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। मतलब जो समेकित निधि है भारत की, उसका राज्यों के मध्य राजस्व की अनुदान में सहायता का नियंत्रण किया जाए, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है। ऑप्शन से आपके वित्त मंत्री, वित्त आयोग, योजना आयोग या रिजर्व बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 में वर्णित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, बहुत ही सरल सवाल है 280। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इस यातायात प्रतीक चिन्ह का मतलब बताना है। आपके सामने 3.8 मीटर लिखा हुआ है और एक सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल बने हुए हैं। ऑप्शन थे इसके ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर पर बाधा है। ऑप्शन सी चौड़ाई 3.5 मीटर है या वजन 3.5 मीटर है, वजन सीमा 3.5 मीटर है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है। दोस्तों जो हमारा शिफ्ट वन का पेपर था 13 दिसंबर 2017 का, जिसको हमने कल पढ़ा था, उसमें भी एक यातायात चिन्ह पूछा गया था। जैसे जैसे आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यातायात के चिन्ह जरूर पूछे गए हैं। तो हम एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारे यातायात के सिंबल्स और उनके मतलब को बताया जाएगा। कल का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें 13 दिसंबर 2017 का जो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें पूछा गया था पैदल क्रॉसिंग प्रतिबंधित चिन्ह को दर्शा करके कि ये किस चीज़ का चिन्ह है। ठीक है, तो वो वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद को संदर्भित करता है, या फिर ऐसे समझें कि सवाल कह रहा है कि संसद जो कानून बनाता है उनकी सीमा कहाँ तक है। ऑप्शन ए, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, संसद के पास ये पावर है कि वो भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। ऑप्शन बी या पॉइंट बी, संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो इन दोनों कथनों में क्या सही है, ये आपको बताना था। ऑप्शन ए, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन बी, केवल ए सही है। ऑप्शन सी, केवल बी सही है। या ऑप्शन डी, ए बी दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सॉरी डी है, ए और बी दोनों सही है। संसद पूरे भारत में या इसके किसी भी इलाके के लिए कानून बनाने के लिए समर्थ रखता है, और भारत की संसद के द्वारा बनाए गए नियम भारतीय नागरिकों और उनकी दुनिया के कोने में किसी भी हिस्से में जो भी संपत्ति है उन सब पे लागू होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम वो किसमें है, नागरिकता का वर्णन किसमें किया गया है, ये पूछा गया है। बहुत सरल सवाल है। अनुच्छेद 2 से 4 में, अनुच्छेद 12 से 14 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 1 में। तो भारतीय संविधान भाग दो के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें 5, 6, 7 और 8 इसमें किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है किसी भी नागरिक को भारत में, उसका वर्णन है। 9, 10 और 11 ये 3 जो अनुच्छेद हैं इसमें किस प्रकार से नागरिकता का हनन होता है उसका वर्णन किया गया है। तो 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है भाग 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्न में से कौन सा एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है, मतलब खुद की कॉपी बनाता है। अक्सर वह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। सवाल को और आसानी से समझते हैं। सवाल का कहना है कि वो मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम बताना है जो दूसरे कंप्यूटर्स को टारगेट करके, उनको लक्षित करके, उनको टारगेट करके अपनी कॉपी बनाता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके जो लूप होल्स हैं, उनकी जो विफलताएं हैं, उनके थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ऑप्शंस हैं मदरशिप, वायरस, वर्म या जीवाणु। तो ऐसा करने वाला मालवेयर प्रोग्राम वर्म कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 16, किस देश के साथ भारत ने पुनात संक्षुप पनबिजली परियोजनाओं पर अमल करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर है और लिखा हुआ है, नेगलेक्ट करेंगे। तो पुनात संक्षुप पनबिजली परियोजना भारत के साथ किस देश के द्विपक्षीय समझौते पर आधारित है। ऑप्शन है आपके वियतनाम, भूटान, नेपाल या म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है भूटान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है। ऑप्शन ए, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुक्त उपयोग करने की अनुमति है। मतलब जितने भी राष्ट्रीय और राज्य दल हैं मान्यता प्राप्त, उनको अपने चुनाव प्रचार के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, टेलीविज़न है, उनकी सीमित मुक्त उपयोग, मतलब बिना चार्जेस के उनमें अपना एडवर्टाइजमेंट वो दे सकते हैं,
या फिर ऑप्शन जो दूसरा पॉइंट है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। तो दोनों में से कौन से सही है ये बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए और बी, दोनों ही करेक्ट हैं। मतलब जो भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल हैं उपले चुनाव प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रयोग कर सकते हैं, और एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं इसके ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है एफ डब्ल्यू बाकूर, स्पेंसर वॉल्टन, विलियम ग्राटफ्रे या फिर सी एफ एंड्रयूज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सी एफ एंड्रयूज। इन्होंने महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटने के लिए राजी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में जो प्रवासी दिवस होता है 9 जनवरी को मनाया जाता है, उसी दिन जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, और 9 जनवरी 1915 को ये बैरिस्टर बन के भारत में वापस आए थे। तो इस वजह से जो 9 जनवरी है उसको हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन परिचय जो कि 2 पार्ट्स में है आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस डिस्क्रिप्शन में और भी जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आप क्लिक करके ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि सारे वीडियो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ऑप्शन बताने हैं आपको कि अर्थव्यवस्था में जो असली मुद्रा मूलधन है वो क्यों बढ़ जाती है। कीमतों में कमी के कारण, ब्याज दरों में कमी के कारण, या फिर कीमतों में वृद्धि के कारण, या ऑप्शन डी ब्याज दरों में वृद्धि के कारण। तो अर्थव्यवस्था में जो असली मुद्रा मूलधन है वो जब ब्याज दरों में कमी होती है उसके कारण बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक 1972 में अहमदाबाद में स्थापित दुनिया का सबसे बड़े महिला श्रमिक संघों में से एक श्रमिक संघ है जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो वो श्रमिक संघ जो महिलाओं के लिए काम करता है 1972 में जिसकी स्थापना अहमदाबाद में हुई और वर्तमान में दुनिया के बड़े महिला श्रमिक संघों में से एक है, वो कौन सा है? ऑप्शन है समानता एवं सर्वेक्षण केंद्र, ऑप्शन बी श्री महिला गृह उद्योग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला आयोग, या ऑप्शन डी स्व कार्यरत महिला संघ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्व कार्यरत महिला संघ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। बहुत ही चर्चित मुद्दा था लोकपाल बिल उस समय का, तो उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन थे आपके के आर नारायण, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि 1 जनवरी 2014 को जो लोकपाल विधेयक था उस पर, लोकपाल बिल था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आप नोट कर सकते हैं कि 19 मार्च 2019 को पहले लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई थी। पिनाकी चंद्र घोष जो कि भूतपूर्व न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, तो उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जो कि 2019 में लोकायुक्त, पहले लोकायुक्त बने। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्यों के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? ऑप्शन से अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 18। तो इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे, अनुच्छेद 12 में क्या है
मूल अधिकारों की परिभाषा। बात करते हैं अनुच्छेद 33 की, तो ये भी मौलिक अधिकारों में ही आते हैं। अनुच्छेद 18 मूल अधिकारों का एक अनुच्छेद है। फिर बात आती है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि 36 से लेकर के 51 तक है। तो इसमें क्या है कि आप सवाल पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या एक लाइन आती है, राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो राज्यों के नीति निदेशक तत्व जो कि 36 से लेकर के 51 तक है, इसमें ही अनुच्छेद 47 आता है इसके अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या, अनुच्छेद 47। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला सवाल है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है, जो FDI है उसकी निकासी की शुरुआत कब हो सकती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है व्यापार चक्र के अंत में, जब कंपनी विदेश में उसकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करता है, या ऑप्शन बी जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय संभव नहीं होता है, ऑप्शन सी व्यापार जब ब्याज दरों और निवेश के अवसर अधिक होते हैं, या ऑप्शन डी जब घरेलू निवेश कारोबार में प्रमुख होता है। मतलब अब या तो जो घरेलू निवेश है वो बढ़ जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और वो अपना निकासी शुरू कर देंगे, या फिर जब ब्याज दरें और निवेश के अवसर अधिक हों तब निकाल लेगा, या जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय की जो संभावना है वो ना हो, या फिर व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनी विदेश में अपनी संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कि जब भी कंपनी जो FDI है वो अपना विदेश में अपनी संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करेगा कि चलिए मैं अपने ही राष्ट्र में ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, तो क्या करेगा कि अपना जो FDI का पैसा है वो वहाँ से निकाल सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सरल भी है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन से आपके 84, 76, 62 या 47। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल 84 सीटें आरक्षित हैं, और इसमें कई स्टूडेंट्स ने 47 पे टिक किया था जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, 84 अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा लास्ट सवाल है आज की वीडियो का, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी। ऑप्शन हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु हर राय या गुरु तेग बहादुर। 17वीं सदी में जो इसका सही आंसर है, गुरु हर राय ने दारा सिखों को पनाह दी थी। दारा सिखो शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था, बाद में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। सो दोस्तों, आज ये हमारा सेकेंड पार्ट था जिसमें हमने 13 दिसंबर 2017 के प्रीवियस ईयर में आए हुए संविधान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ा। साथ ही साथ जो सिख गुरुओं के नाम की सरल ट्रिक है, जैसे कन्फ्यूज़न रहता है क्या क्रम है, क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट काम किए, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कैसे याद रखना है, वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके ज़रूर देख लें। साथ ही साथ मोर देन 50 से अधिक ट्रिकी वीडियोज GK के हैं, जिसमें आपको लगभग 100 से 150 ट्रिक्स मिलेंगी GK की, आसानी से आप GK याद कर सकते हैं वहाँ से। वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज़रूर देखें। और आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। फ्री PDFs पाने के लिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 3 आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम आगे के शिफ्ट की डिटेल जानकारी आपको प्रीवियस ईयर के डिटेल के साथ प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।